जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं RBSH की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। तुम सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न ग्वालियर के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल दुखद निधन हो गया। आज बीजेपी मुख्यालय से उनकी अंतिम शव यात्रा निकाली गई और यहां स्मृति स्थल पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के लोग शामिल हैं। आप देख रहे हैं भूटान नरेश इस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। स्मृति स्थल पर कई देशों के राजनयिक उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अटल जी को अंतिम विदाई देने के लिए स्मृति स्थल पर उपस्थित हैं और हजारों की तादाद में लोग यहां आए हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व CM, आप देख रहे हैं अनूप मिश्रा जो कि अटल जी के भांजे हैं, ग्वालियर से यहां आए हुए हैं, और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति राम कोविंद जी, रामविलास पासवान जी, तमाम बड़े नेता, लाल कृष्ण आडवाणी, साथ साथ जिन्होंने राजनीति की, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और इस समय आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी आदर सहित श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दल कोई भी रहा हो, पार्टी कोई भी रहा हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसा नाम रहे हैं जिन्हें सभी ने आदर और सम्मान दिया है। भारतीय राजनीति में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान अतुलनीय है। भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में सफलता के परचम लहरा रही है, जो इस अग्नि में समाहित महापुरुष के द्वारा बनाई गई विशाल पार्टी है। मंत्रों के साथ अटल जी को अंतिम विदाई दी जा रही है उनकी आत्मा की शांति के लिए, और हजारों की तादाद में परिवार के, पार्टी के, अन्य दलों के लोगों के साथ भारत की जनता वहाँ उपस्थित है नेता को अंतिम विदाई देने के लिए। उनकी आंखें नम है और सबकी जुबान पर एक ही नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी। अमर राज की सम्मान के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज अंतिम विदाई दी गई। RBS न्यूज चैनल पर सीधा प्रसारण अंतिम यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज की खबरों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद।